हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आर के भास्कर और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डर्मा पेन ट्रीटमेंट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेशंस क्या हैं इसके डर्मा पेन के, तो आप देख सकते हो कि ये स्किन रिज्यूविनेशन, स्किन टाइटनिंग और फाइन लाइंस और जो भी रिंकल्स आते हैं आपके फेशियल्स ड्यूरिंग एजिंग प्रोसीजर्स, उस केस में आपको ये आपको ज़्यादा बेटर इम्प्रूव करेगा और आपके स्किन के टेक्स्चर्स और स्किन के टोन और कलर को और बिफ़ोर जो आपका प्रोसीजर है डर्मा पेन का, उससे पहले पेशेंट्स को क्या पूछना चाहिए, कुछ क्वेश्चनेयर्स होते हैं। एटलीस्ट 12 घंटे पहले जो पेशेंट है वो रेटिनॉल ना लगाया हो, कोई ऑटो इम्यून थेरेपीज ना कर मतलब हो रहा हो उस पेशेंट्स का। और उसके बाद अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स पहले जो सन एक्सपोजर ना हो पेशेंट्स को, और कोई सन बर्न ना हो आपका पेशेंट का, और मेकअप फ्री होना चाहिए, और कोई भी ऐसा लाइक ना कि आप ये कह लो कि पश्यूल्स एक्ने वगैरह ना हो, तो ज़्यादा बेटर अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। हाइजीन को मेंटेन करने के लिए पहले पेशेंट्स के जो फेस हैं वो पहले क्लींज करना चाहिए, डीप क्लींजिंग करना चाहिए ताकि जो भी मेकअप चीज़ें हों, डस्ट हों, वो रिमूव हो जाए। उसके बाद फेस पे नंबिंग क्रीम और जो भी प्रोसीजर करने के एरियाज़ है जैसे कि नेक वगैरह, सब पे नंबिंग क्रीम एटलीस्ट हाफ एन आवर लगा के छोड़ देना चाहिए ताकि प्रॉपर नंब हो सके। हाफ एन आवर के बाद आप उस जो फेस पे जो भी नंबिंग क्रीम लगा हुआ है उसको रिमूव कर देना चाहिए हमें, ताकि एरिया जो प्रिपरेटरी फेस जो एरिया है आपको प्रॉपर क्लीन हो सके। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि जो फेस के डिफरेंट लोकेशंस हैं डर्मा पेन के डेप्थ कितने होने चाहिए, वो आप देख सकते हो फिगर्स में कि जो भी नोज़ का एरिया है 0.5 to 1.0 mm है, आपके क्रोज फीट वाले एरिया हैं 0.25 to 0.5 mm है, आपके बनी लाइंस में 0.25 to 0.5 हैं, और इसी तरह से फ्रंटल बोन में भी आपके 0.25 to 1 mm है। तो अब ये आप देख सकते हो कि ये सीरम अप्लाई करते हैं, जो भी सीरम है इफ़ेक्टिव फाइन लाइंस, स्किन रिजुविनेशन और रिंकल फ्री करने के लिए, पहले इसको प्रॉपर स्प्रेड कर देते हैं। और उसके बाद डिफरेंट लोकेशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट जो फेस के लोकेशन हैं, डिफरेंट डेप्थ जो है नीडल्स का है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर ऑलमोस्ट 3 जो स्टेप्स हैं फॉलो करना चाहिए बेटर रिजल्ट के लिए। और आप जो सीरम है जो डिफरेंट कंपनी के आते हैं, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी MCCM है, डर्मा पेन के बहुत सारे सीरम आते हैं, आप उसको नेक पे अप्लाई कर लें और प्रॉपर यूनिफॉर्म सेक्शन में जो नीडल्स हैं उसको मूव करना चाहिए, जिससे कि बेटर रिजल्ट आएंगे। स्टॉकिंग भी मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, स्टैंपिंग मूवमेंट बहुत अच्छे होते हैं इसमें। नाउ वी कैन अप्लाई द रिकवरी सीरम्स ऑन द होल ट्रीटेड फेस एज वेल एज द नेक एरिया, सो दैट इट विल हील विद इन 12 आवर्स, एंड यू हैव टू अप्लाई द फोटो यू कैन से दैट देर इज सन स्क्रीन आफ्टर 12 आवर्स, सो दैट इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ द सीरम विच इज अप्लाइड ऑन द नेक एज वेल एज द फेस विल इन्हेंस योर स्किन बेटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।